डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 11 एंट्रेंस एएमयू के स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए केमिस्ट्री के सवाल लेकर हाजिर हूँ। केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है धातु एंड अधातु। इससे अक्सर सवाल टेस्ट में पूछते हैं और कई सवाल होते हैं, 4 से 5 सवाल अक्सर आते हैं, जो कि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और केमिस्ट्री का है। इसके मैंने 45 बहुत ही अच्छे सवाल बनाए हैं, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लें और उसे याद कर लें। देखिए, सबसे पहला सवाल, सबसे हल्का धातु है कॉपर, तांबा, लोहा, लिथियम। उसी तरह से फिर नीचे क्यूबिक सल्फेट है, इसके 4 ऑप्शन, सबके 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आखिर में सबके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये आप देख लें सारे सवाल को अच्छी तरह से और उसके आंसर्स को याद कर लें। उसी तरह से नंबर 3, 4 या नंबर 5, 6, अब यहां देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का ऑप्शन इस पे है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसे आप यहां से इस तरह से कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और उसके बाद देखिए 23 के 2 ऑप्शन यहाँ हैं, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। और फिर हम आगे आते हैं 24, 25, 26, 27, यह है 28। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कैसे सवाल हैं, कितने अच्छे सवाल हैं। इसी तरह के सवाल आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। आप और देखिए 29, यहाँ पे है जंग। जंग एक मिश्रण है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर हिंदी छूट गया है। अब यहाँ पे और देखिए, कहीं कहीं कुछ कंप्यूटर की कुछ गलतियां होंगी, उसे आप अपने तौर पे दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि असल में हिंदी मीडियम में ज्यादा टाइप करने वाले नहीं होते हैं, इस वजह से दुश्वारी आती है। जो होता है हमें उसी पे यकीन करना होता है, और फिर भी कितना भी आप प्रूफ रीडिंग करें, कुछ कहीं कहीं थोड़ी बहुत तो गलतियां रह जाती हैं, और जाहिर सी बात है इंसान से तो गलती होती ही होती है, लेकिन कोशिश आदमी यही करता है कि गलती ना हो। बहरहाल, जहां भी कुछ आपको लगे तो उसे आप अपने तौर पे उसे करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए 31, 32, 33, 35, 34 और यहाँ 35। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सवाल, जाहिर सी बात है कि हिंदी के कुछ टर्म बड़े अजीब होते हैं, तो सुनने में भी थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि और लोगों को अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उन्हें जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम से ही तैयारी करने में सहूलत होगी, और फिर जब एडमिशन हो जाएगा तो वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके इंग्लिश मीडियम में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बगैर इंग्लिश के कोई चारा नहीं है। हर हाल में आपको इंग्लिश सीखना, समझना और लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश पे अच्छी तरह से कमांड हासिल कर लिया तो समझ जाइए कि आपने अपनी जिंदगी की कामयाबी की आधी जंग जीत ली। इस वजह से इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि अभी तक हमारी मजबूरी थी, हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं था, हिंदी का है, तो इसलिए हम यहाँ तक तो हिंदी ठीक है, लेकिन इसके आगे फिर हिंदी में पढ़ने से जाहिर सी बात है कि हमें उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी इंग्लिश मीडियम से। इस वजह से आप इसके बाद टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंग्लिश मीडियम भी सीखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देखिए तबक है, तो तबक हो गया है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप कॉमन सेंस की चीज़ है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा।
हमने कोशिश तो की लेकिन कहीं कहीं हल हल्के थोड़े बहुत रह गए हैं, तो उसे आप अपने तौर पे दुरुस्त कर दीजिएगा। ये देखिए 41, 42, 43, 44 और ये 45 लास्ट सवाल। इस तरह से ये धातु अधातु के 45 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं और इसके देखिए यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। ये है आंसर उत्तर, ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45, 45 सवाल और इसके आंसर से यहाँ पे दिए हुए हैं। आप मिला लें, कहीं कुछ एकाध सवाल अगर कहीं वैसे गलती तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हो भी सकती है, टाइपिंग की गलती हो, जो भी हो, प्रूफ रीडिंग की गलती हो, इसे आप देख लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि आप जो बुक पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है मैथ ऑफ साइंस, वही बुक एनसीईआरटी की जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं, जाहिर सी बात है उनका 9th और 10th मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ा हुआ है, उन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। एक चीज आप लोगों को नहीं होती है वो है इंडो इस्लामिक और जीके, जाहिर सी बात है उसमें ये परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा करिएगा कि अगर इस किताब के अलावा आप एक गाइड पढ़िए जो कि अलीग श्योर सक्सेस के नाम से है, इसमें बहुत अच्छे सवाल दिए हुए, आप खुद भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बुक हमारे लिए वाकई सही है या नहीं। और इसका एक पूरी साइंस की भी है और अलग से इंडो इस्लामिक का है, उससे अक्सर 20 में से 16 से 18 सवाल अक्सर आते हैं उसमें, इंडो इस्लामिक और जीके दोनों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी ये तीन किताब का सेट है जो कि आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके शहर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अमेजन से भी मंगवा सकते हैं। अगर अमेजन से मंगाने में आपको दुश्वारी हो रही है तो आप मुझसे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, मैं ये किताब आपके घर तक भिजवाने में आपकी हेल्प करूंगा और इस तरह से आप तैयारी कर दें तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपको प्लानिंग करके तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा किताबों के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं, मैथ और साइंस आप यहाँ एनसीईआरटी से पढ़िए, मैथ के लिए आर डी शर्मा अग्रवाल की भी बुक आप देख सकते हैं, लेकिन ये गाइड और इसका तीन किताब की जो सेट है वो जरूर लें, क्योंकि सबसे पहले हमें तैयारी करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का भी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपकी सही तरह से तैयारी नहीं होगी, आपको पता नहीं चल पाएगा कि सवाल पूछने का क्या पैटर्न। तो पहले पैटर्न आप देखें फिर तैयारी करें, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी सही तरह से नहीं हो पाएगी और टाइम जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा नहीं बचा है। तो आप अलीग श्योर सक्सेस जरूर लें, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसे अमेजन से मंगवा लें, नहीं तो मुझसे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको काफी पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और घर बैठे रेगुलर और कॉम्पिटिटिव तमाम कॉम्पिटिटिव कोचिंग का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच।